तुम अगर 2-3 साल से एनिमे देख रहे हो, तुमने कम से कम 200 या 300 एनिमे सीरीज कंप्लीट करके रखा है, बट स्टिल तुमको पता नहीं कि ये कौन है। दो भाई, क्या फायदा इतने लंबे लिस्ट का, तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आज जो एनिमे तुमको रिकमेंड कर रहा, बस एक बार वो देख लो, फिर तुमको पता चलेगा मॉन्स्टर क्या है। अगर तुमको माकी माँ, लाइट या कमी या फिर आयनो कोजी बेस्ट मैनिपुलेटर लगता है, तो मैं बोलूँगा तुमने अभी बेस्ट मैनिपुलेटर को देखा ही नहीं। बस एक बार इसको देख लेना, फिर तुमको पता चलेगा कि ये क्या है और इस कैरेक्टर की लेवल कहाँ पर है। भाई, द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर इन द एंटायर एनिमे हिस्ट्री विदाउट हैविंग एनी सुपर पावर, जो सबकी एकदम से मार के रखता है। नहीं देखा, विश्वास नहीं हो रहा है ना, बट जिन लोगों ने देख के रखा है उनको पता है व्हाट आई एम सेइंग। तुम में से बहुत सारे लोग इंटरनेट पर सिग्मा सिग्मा करते रहता है, बट आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ असली सिग्मा कौन है। एनिमे के अंदर इसका नाम सुन के सब लोग कांपने लगता है, सब कुछ भूल जाओ, बस इसका नाम याद रखो, जोहान लीवर। पहले एनिमे का ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद स्टोरी को लेकर बात करूंगा, देन मैं ए टू जेड खुलकर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, एनिमे के अंदर एक डॉक्टर है जो एक बच्चे को बचाता है, और उस बच्चे को बचाने के बाद से उसकी पूरी लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है, बिकॉज आगे जाके वो बच्चा जो करता है उसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। मतलब सब लोगों की मार के रखता है, सब लोगों की। भाई, इस एनिमे की स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा मस्त है। शुरू में हम लोगों को सेटअप समझा देते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, एक डॉक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका नाम है डॉक्टर किन्जो, या फिर बोल सकते हैं डॉक्टर किन्जो तेनमा। ये जो डॉक्टर तेनमा है, ये एक एलीट न्यूरोसर्जन है, हु रिसेंटली एंगेज्ड टू हिज हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स डॉटर। ये उस अस्पताल का डायरेक्टर है और ये उनकी बेटी है जिसके साथ हमारे डॉक्टर तेनमा ने एंगेज किया। तो वहां पर डॉक्टर तेनमा अस्पताल का जो डायरेक्टर है उनकी बेटी के साथ एंगेज्ड है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। जो डॉक्टर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बोल सकते हो एकदम टॉप टियर न्यूरोसर्जन भाई। और एक दिन कुछ ऐसा इवेंट होता है डॉक्टर तेनमा की पूरी लाइफ एकदम से बदल देती है, झंड बना के रखता है। भाई, जो हमारा डॉक्टर तेनमा है वो किसी के ऊपर सर्जरी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, एंड सडनली डायरेक्टर कॉल करता है। डायरेक्टर कॉल करके बोलता है उसको जगह बदलने के लिए। डॉक्टर तेनमा, हाय, क्या कुछ जगह है? जिस पेशेंट के ऊपर वो सर्जरी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था उसको स्विच कर देता है। डायरेक्टर बोलते तुम इसको नहीं, इसके ऊपर पहले फोकस करो। अब अस्पताल का डायरेक्टर है तो बात तो मानना पड़ेगा, तो डॉक्टर तेनमा जो है वो इसके ऊपर सर्जरी ना करके उसके ऊपर करता है। जिसके ऊपर सर्जरी करता है तो वो सक्सेसफुल था, ठीक हो जाता है, पर जिसके ऊपर सर्जरी करने के लिए तैयार हो रहा था वो अनफॉर्चुनेटली मर जाता है, जो डॉक्टर तेनमा को एकदम से खाली कर देता है। क्यों? डॉक्टर तेनमा चाहते तो यार उनको बचा सकते थे। बट इन सब के बाद एक और सिमिलर इंसिडेंट होती है, एक और पेशेंट आता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस था, जो एक बच्चा था जिसके सर पे गोली लगी है भाई, और गोली जाके अंदर अटक गई। और जैसे तुमको बताया, उस अस्पताल का डॉक्टर तेनमा सबसे टॉप टियर न्यूरोसर्जन है, तो आगे डॉक्टर तेनमा अपने आप को तैयार करते हैं उस बच्चे के ऊपर सर्जरी करने के लिए। सडनली अगेन डायरेक्टर कॉल करता है, करके बोलता है जो टाउन का मेयर है वो भी उस अस्पताल में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। डॉक्टर तेनमा को उनके ऊपर फोकस करने के लिए बोलता है, बच्चे के ऊपर नहीं। बट लास्ट टाइम हमको पता है डॉक्टर तेनमा ने जब स्विच किया था तब वो जो पेशेंट है वो मर चुका था। तो इस बार डॉक्टर तेनमा ठान लेता है चाहे जो भी हो जाए दोबारा सेम गलती वो नहीं करने वाला है, वो उस बच्चे के ऊपर सर्जरी करने लगता है, एंड वो सर्जरी 100% सक्सेसफुल रहता है। बट ऑन दी अदर साइड वो जो टाउन का मेयर था अस्पताल में आया, ही पास्ड अवे, जिससे डॉक्टर तेनमा को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा। क्यों ना, सब लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे। डायरेक्टर ने प्रॉमिस करके रखा था डॉक्टर तेनमा को बढ़िया पोजीशन देने वाला है, वो देने से मना कर देता है। और जो डायरेक्टर की बेटी है जिनके साथ उसकी शादी फिक्स थी, वो शादी भी कैंसिल हो जाती है, बिकॉज वो भी बदल जाती है। भाई, एबा, किमी करा ओतो सा नी इत्ते कुरेनाई का? अनाता ते होंतो नी बाका ने। बट इन सब के बाद भी चलो डॉक्टर तेनमा वाज फाइन कि चलो जो बच्चा है वो तो एटलीस्ट बच गया। बट एक दो दिन जाते ना जाते हमारे सामने कुछ ऐसे चीजें आती है जो सबका दिमाग हिला देता है। नमस्ते,
आसपास के लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं, न्यूज आने लगती है, खतरनाक इंसिडेंट्स होने लगती है भाई, और बाद में जाके पता चलता है वो बच्चा कोई और नहीं इज योहान लीवर्ड। और वो जो डॉक्टर है उसको बचाने के बाद से पूरे लाइफ टाइम बस रिग्रेट करता रहता है कि उसको बचाया क्यों, बिकॉज उसको बचाने के बाद से उसकी पूरी लाइफ की लग गई थी। टाइम के साथ साथ वो डॉक्टर बस डॉक्टर नहीं रहा, उसकी लाइफ पूरी बदल गई थी, और डॉक्टर ने जिस बच्चे को बचाया था वो बन जाता है एक मॉन्स्टर, जिसको अपने हाथों से मारने के लिए डॉक्टर एकदम से पागल था। उसने एनिमे करने सबका दिमाग हिला के रखा था, और जिन लोगों ने देख के रखा उनका भी। उसके बाद हमको देखता है अपना मॉन्स्टर। अब देखो यहाँ पर मैंने बस फर्स्ट एपिसोड के बारे में बातचीत की, इस एनिमे के अंदर अराउंड 70 एपिसोड, और सारे एपिसोड्स भाई टॉप टियर है। तुम इस एनिमे के जितनी दूर तक जाओगे इसकी स्टोरी और भी ज्यादा डार्क होते हुए जाएगा। एंड एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं सबको बोलना चाहूंगा, ये एनिमे अनफॉर्चुनेटली सब लोग के लिए नहीं है। यस, सब लोग के लिए ये एनिमे नहीं है भाई, सब लोग नहीं देख पाएंगे। अगर तुमको वो फ्लशी थिंग्स, वो 12 एपिसोड वाले एनिमे बढ़िया लगता है, जिसमें 2 एपिसोड के अंदर प्लॉट्स आ जाते हैं जो 10 एपिसोड के बाद खत्म हो जाता है, फिर तो भाई ये एनिमे तुम्हारे लिए नहीं है। ये एनिमे न्यूबीज के लिए भी नहीं है। अगर तुम नया एनिमे देखने स्टार्ट करते हो, ये एनिमे तुम्हारे लिए नहीं है। ये साइकोलॉजिकल एनिमे बहुत ही ज्यादा डार्क है, ये सब लोग के लिए नहीं है। जिनके पास बिग ब्रेन है उन लोगों के लिए है। इसके बारे में बातचीत नहीं करता, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बट स्टिल माल के अंदर ऑलमोस्ट 9 की रेटिंग है। और ये मत भूलो ये 2004 को आया था भाई। एंड एज ऑलरेडी सेड, दिस एनिमे इज नॉट फॉर एवरीवन। इफ यू रीड और वॉच वन पीस, ब्लीच, बर्ज़र्क, वगाबॉन्ड, फिर तुम लोग 100% हो तो एनी डाउट जस्ट गो फॉर इट। बट अगर तुम में से इन सब में से कुछ भी नहीं देखा बट स्टिल यू वांट टू वॉच दिस एनिमे, यू कैन वॉच, बट तुमको 100% फोकस के साथ देखना पड़ेगा, बिकॉज इस एनिमे का हर एक एपिसोड मैटर करता है। बस 70 एपिसोड अराउंड कुछ है भाई, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। फर्स्ट 1 और 2 एपिसोड के अंदर सेटअप है जो मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है। 3 नंबर एपिसोड के अंदर टाइम स्किप हो जाती है भाई, हाँ इतना फास्ट है। और 3 या 4 नंबर एपिसोड के अंदर फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है टाइम स्किप के बाद, और वो देखने के बाद तुमको पता लग जाएगा ये जो नाम है योहान लीवर्ड ये इतना खतरनाक क्यों है। फिर आगे 4-5 एपिसोड, फिर उसके बाद जो 6 या 7 नंबर जो एपिसोड है ना, दैट्स टोटली हार्ट ब्रेकिंग। क्यों है वो तुमको एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा, पर जो भी होगा ना वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। मतलब बहुत पहले देखा, फिर से रीवॉच किया, अगेन उस वाले मोमेंट ने मेरे को फिर से हर्ट किया। और वो एपिसोड देखने के बाद तुमको पता लग जाएगा जो हमारा मेन कैरेक्टर है योहान लीवर्ड वो कितना बड़ा मैनिपुलेटर। और ये सब कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये सब ट्रेलर है। अगर तुम जितनी दूर तक जाओगे डार्क जो चीजें वो तुम्हारे सामने आते जाएंगे, जो सीक्रेट्स है वो रिवील होते हुए जाएंगे। जैसे मैंने बोल के रखा 70 अराउंड कुछ एपिसोड है, हर एक एपिसोड तुमको फोकस के साथ देखना पड़ेगा, और जो मेन चीज है वो 30-40 एपिसोड के बाद धीरे धीरे आने लगता है भाई। बिकॉज शुरू में जब स्टार्ट करो यू विल बी लाइक कि भाई जो मेन कैरेक्टर उससे लोग डरते क्यों है, सब लोग जब उसका नाम लेते हैं डरते क्यों है, तुम बोलोगे मेन कैरेक्टर जो है वही भी लेना भाई। बट बाद में तुम मेन कैरेक्टर के बारे में जितना जानोगे तुमको और भी ज्यादा जानने का मन करेगा। एंड स्लोली बट श्योरली जो मेन कैरेक्टर है इसकी जो पास्ट तुम लोग देखोगे ना तुमको स्वाद आ जाएगा भाई। और एक एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ट्विस्ट, प्लॉट्स, रिवील्स, और इस एनिमे के अंदर ये तीनों चीज एकदम टॉप टियर है भाई। जो धीरे धीरे खुलासा होता है ना भाई वो बहुत ज्यादा डार्क है। जब मैं डार्क वर्ड यूज कर रहा हूँ इसको ना इतना लाइटली मत लो, सच्ची में डार्क है। सामने ऐसे ऐसे चीज आएंगे जिससे तुम डर जाओगे। ये एनिमे देखते वक्त जो हमारा मेन कैरेक्टर है योहान लीवर्ड उससे मैं डरता था भाई। जो मेन कैरेक्टर योहान लीवर्ड इज बाय फार द स्कैरिएस्ट कैरेक्टर ब्रो। और जैसे मैंने तुम लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, लाइट यागामी, आयानो कोजी, माकी मा, और जितने मैनिपुलेटर्स है उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट है योहान लीवर्ड पूरे एनिमे हिस्ट्री के अंदर मैं बोलूंगा। जिसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, जस्ट ए ह्यूमन बींग, बट इतना खतरनाक मैनिपुलेट करता है। तुम ये एनिमे खत्म करने के बाद योहान लीवर्ड का फैन बन जाओगे फॉर श्योर। ये एनिमे देखते समय कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे कि हाँ ऐसा होगा, बट होगा इसका उल्टा ही। अगर तुम उल्टा गेस करोगे तो उसका भी उल्टा ही होगा। आई बेट भाई तुम इस एनिमे का प्लॉट प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाओगे। एंड बिना किसी डाउट के दिस शो हैज द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट्स एंड इट्स एक्चुअली रिडिकुलस हाउ मेनी एंगेजिंग कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस सीरीज। तुम डॉक्टर तेनमा को उठा लो ना, जिसके बारे में शुरू में बताया यार, उसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमको देखने को मिलती है भाई वो अलग लेवल पर है। शुरू में तुम लोग उसको ऐसे देखते हो, 10 एपिसोड के बाद तुम लोग ऐसे देखते हो, और उसके 20 एपिसोड के बाद तो भाई तुम भूल ही जाओ, वो अलग ही एक बंदा बन जाता है। एक इंसिडेंट ने एक बंदे ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज करके रखा है। एक नॉर्मल डॉक्टर की लाइफ चेंज करके उसको कैसे क्या बना देता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट अलग लेवल पर है। एंड डोंट फॉरगेट यहां पर बस एक कैरेक्टर का एग्जांपल दे रहा, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके डेवलपमेंट देखने के बाद तुम बोलोगे मजा आ गया गुरु। और जो पूरी वीडियो के अंदर मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं ना, योहान लीवर्ड, योहान लीवर्ड एक
टाइम आएगा स्पेशल लास्ट 3 एपिसोड जिसका टाइटल है मैन विदाउट अ नेम द लैंडस्केप ऑफ द एंड एंड द रियल मॉन्स्टर। ये सब देखने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा ही इज अ नेमलेस मॉन्स्टर, और जिन लोगों ने देख के रखा है वो समझ पाएंगे व्हाट आई एम सेइंग। और यहाँ पर मैं बस योहान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी एक बहन है, उसके बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब तुम्हें से जो लोग एनीमे देखने वाले इस वीडियो के बाद, लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग, ये 18 प्लस एनीमे है बिकॉज ऑफ एवा ऑफ कोर्स। तो इफ यू आर अंडर 18 मैं रिकमेंड करूंगा इसको तुम ना देखो तो बेटर है। और जब ये वीडियो के बाद तुम लोग फाइनली जब ये एनीमे देखते स्टार्ट करोगे, एक एडवाइस मैं बार बार दे रहा, रश मत करना, पागल मत हो जाना इसको खत्म करने के लिए। 74 एपिसोड्स है, यू कैन डू इट। इतना कमजोर नहीं है कि तू इसको नहीं देख पाएगा भाई। हर एक एपिसोड 100% फोकस के साथ देखना, बहुत खतरनाक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर डेप्थ है, सब कुछ समझने की कोशिश करना। फर्स्ट 20-30 एपिसोड कुछ ऐसा रहेगा कि हर जगह तुमको योहान योहान लीवर तुमको सुनाई देगा, बट उसका स्क्रीन टाइम इतना सा मिलेगा, बट जब भी वो स्क्रीन पे आएगा ना तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। और बाकी जो तुम्हारे फेवरेट एनिमे वन पीस नारुतो ब्लीच उनकी तरह अगर इसके स्टोरी के अंदर तुम एकदम से घुस जाओ और पूरा 74 एपिसोड एकदम से खत्म कर लो, फिर तुम समझ जाओगे इस एनिमे का नाम मॉन्स्टर क्यों है। ये जो मॉन्स्टर है ये बस योहान के अंदर नहीं है, ये हम सब के अंदर है। योहान ने वो मॉन्स्टर अपने माँ के अंदर देखा है, अपने बुक के अंदर देखा है, उसने एना के अंदर देखा है, बस एक ही इंसान के अंदर उसने वो मॉन्स्टर को नहीं देखा है, एंड दैट वाज डॉक्टर तेनमा। द मॉन्स्टर इज द थॉट ऑफ ऑल लिव्स आर नॉट इक्वल। और इस एनिमे के अंदर बहुत सारे टॉप टियर डायलॉग्स हैं, और उनमें से बेस्ट डायलॉग है हमारे मेन कैरेक्टर का जब वो बोलता है द ओनली थिंग पीपल आर इक्वल इन इज डेथ। नो मैटर व्हाट, इस एनिमे को अंडररेटेड नहीं रखना है, जस्ट कंप्लीट कर लो, यू गोना लव इट, एंड हाँ थोड़ा पेशेंस के साथ। और जिन लोगों ने देख के रखा है अपना ओपिनियन दो, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख के स्टार्ट कर। तो चलो आज के वीडियो यहाँ पर रोकते हैं, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने का घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। और हाँ, इस एनिमे के बेस्ट मोमेंट के बारे में मैंने तो बात ही नहीं किया।